Good morning. I'm really excited to have all of you here, and hopefully some of our viewers have already gotten online. My name is Kirthi Jayakumar, and I'm joining you from Chennai, but with me and with all of us joining us from Delhi are members of the Martha Farrell Foundation and three amazing youth champions from among them. Today we're going to be talking about something really important, which is youth action for safety for women and girls. And this comes from some of the most difficult kind of work that has been undertaken by young people themselves, who are here to share with us exactly what that work entails and how impactful it can be if we work together and collaborate. The Red Elephant Foundation is based out of Chennai, and we work extensively on storytelling. We believe that the power of dialogue and the power of youth action can go a long way to make a difference to the world around us. And joining us is the Martha Farrell Foundation, with whom we share several areas of work and several aspects of our vision. And we'll have more about them from their side soon. Namaste, Neharika, Praatibh, aapko sunai de raha hai? Hume sunai de raha hai. Wonderful, wonderful. Hi, Mohit, Sarita and Aditya, our youth champions. Aap sab kaise ho aaj? I'm fine, ma'am. Excited ho aap? हम सब भी आपसे सुनने के लिए और आपके काम के बारे में जानने के लिए. Neharika, I would love to have you tell us a little bit about the Martha Farrell Foundation, and following that, everybody is going to introduce themselves one after another. Take it away, Neharika. First of all, thank you so much, Kirthi, for collaborating with us on such an important day of International Youth Day, and for bringing together this platform where we can tell everyone about the good work that we are doing. तो हमारे viewers को भी बहुत नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमें join कर रहे हैं, हमारे काम को जानने की कोशिश कर रहे हैं. मेरा नाम निहारिका है. मैं न्यू दिल्ली में मार्था फैरल फाउंडेशन के साथ सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करती हूँ. हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2015 में शुरू हुई है. जैसा कि हमारा नाम है मार्था फैरल फाउंडेशन, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को डॉक्टर मार्था फैरल की याद में शुरू किया गया है. डॉक्टर मार्था फैरल मई 2015 में काबुल गई थी. वहाँ पे वो काफी टाइम से जेंडर कार्ड काम कर रही थी. वहाँ पे वो एक जेंडर ट्रेनिंग के लिए गई थी तब, और तब वहाँ उनके गेस्ट हाउस में टेररिस्ट अटैक हुआ, और उस टेररिस्ट अटैक के दौरान वो और 14 और लोग मारे गए. तो डॉक्टर मार्था फैरल की डेथ के बाद, उनके जाने के बाद, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली, उनके अक्वेंटेंसेस, वेल विशर्स, दे ऑल केम टुगेदर टू स्टार्ट मार्था फैरल फाउंडेशन टू सस्टेन द वर्क दैट डॉक्टर मार्था फैरल वाज डूइंग इन हर लाइफ टाइम. तो हम दो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दों पे काम करते हैं. एक जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं कि कैसे यंग लोग, यूथ कैन कम टुगेदर टू एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, उसमें हम बहुत से लोकेशंस में काम कर रहे हैं. हम 27 लोकेशंस में काम कर रहे हैं पूरे देश भर में, 14 स्टेट्स में. और हम बहुत ही वैरिड बैकग्राउंड्स के यूथ के साथ काम कर रहे हैं. यू नो, इन द ईस्ट वेयर इन सिलीगुड़ी, टूवर्ड्स द वेस्ट वेयर इन जयपुर, डाउन साउथ वेयर इन हैदराबाद. इसके अलावा एक हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम ऑफ काम है, वो है प्रिवेंशन ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. इस कार्यक्रम को हम मेकिंग वर्क प्लेसेस सेफ के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं. इसमें हम दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के साथ काम करते हैं. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013. तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन करने पर हम काम कर रहे हैं. इसके अलावा हम कुछ स्कॉलरशिप्स और फेलोशिप्स ऑफर करते हैं, और हमारा एक अवार्ड है, मार्था फैरल अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन वुमेन्स एम्पावरमेंट, जिसके इनफैक्ट कीर्ति फाइनलिस्ट भी रह चुकी है हमारे फर्स्ट अवार्ड में. सो दैट इज वेरी ब्रीफली अबाउट आवर वर्क, एंड आई वुड रिक्वेस्ट माय फेलो पैनलिस्ट और स्पीकर्स टू नाउ इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. मोहित. हेलो, गुड मॉर्निंग. मेरा नाम मोहित छापदा है, और मैं हरियाणा पानीपत से हूँ. मेरे गांव का नाम प्रॉपर नाम मुंडा है, और मैं मार्था फैरल फाउंडेशन से जो अभियान चल रहा है कदम बढ़ाते चलो, मैं उसमें लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं इसमें अपने रैप बनाता हूँ. थैंक यू. हेलो, मेरा नाम सरिता है,
मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से. प्रॉपरली आई बिलोंग टू राजपुर. मैं बीए फर्स्ट ईयर में कर रही हूँ. और मैं मार्था फैरेल फाउंडेशन का जो अभियान है केवीसी, कदम बढ़ाते चलो, उसकी यूथ लीडर हूँ. हेलो कीर्ति. हेलो व्यूअर्स. मेरा नाम प्रातिभ है और मैं लास्ट दो साल से मार्था फैरेल फाउंडेशन में काम कर रहा हूँ. और जैसा कि निहारिका ने बोला मेकिंग वर्क प्लेसेस सेफ, तो मैं ज्यादातर उस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ हूँ, उस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ. इसके अलावा यूथ के साथ भी पिछले दो साल से अलग अलग एक्टिविटीज में उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ. हेलो माय नेम इज आदित्य मलिक. आई एम फ्रॉम सोनीपत. परसुइंग माय बीएलबी फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एंड आई मोटिवेट यूथ फ्रॉम आईटीआईज एंड वर्क विद देम टू मैं उनके साथ काम करता हूँ कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर उनको बताता हूँ कि क्या क्या है. एज आई एम अ लॉ स्टूडेंट तो मैंने इसके साथ इंटर्नशिप करता हूँ एमएफएफ के साथ. एंड आई हैव लर्नड अबाउट सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 एज मैम सेड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आप सबने ऑलरेडी इंस्पिरेशन का वॉल खड़ा कर दिया, which is really nice to start with. Aaj actually International Day of the Youth hai, jo United Nations ne I think 18 saal pehle designate kiya youth ko celebrate karne ke liye aur youth ke issues ke bare mein baat karne ke liye. And we are at a point in time when the planet is at its youngest. Iska matlab ye hai ki youth ka population jo hai duniya mein sabse zyada hai. And naturally, because human action is having so much impact on the world around us, जो यूथ का एनर्जी है उसे हार्नेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. सो ऑन दैट नोट निहारिका, प्रातिभ, आप अगर कुछ बता सकते हो मार्था फैरेल फाउंडेशन के बारे में, जो यूथ के साथ किस तरह से जेंडर से जुड़े मुद्दों पर काम करती है और आप इन यूथ लीडर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं? थैंक यू सो मच कीर्ति फॉर द क्वेश्चन. जैसा कि आपने कहा, वी आर करंटली अ वेरी वेरी यंग प्लैनेट. इनफैक्ट इंडिया में पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है. वी करंटली आर होम टू सम 365 मिलियन यूथ. तो इसमें जाहिर सी बात है कि इन यूथ के साथ हमारा काम करना बहुत जरूरी है. दूसरी बात यह है कि इफ यू कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स व्हाइल दे आर यंग, इन द फ्यूचर दे विल टर्न इनटू मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर सेंसिटिव अडल्ट्स. And it's a big step towards prevention of various forms of violence. हम लोग specifically youth के साथ gender-based violence पर काम करते हैं. हम ना सिर्फ उनकी capacity building नहीं करते, हम उनकी leadership को initiate और build करते हैं. तो हम जो भी capacity building करते हैं वो हम इसी view से, इसी objective से करते हैं कि tomorrow these youth will turn into leaders और वो खुद से जेंडर बेस्ड वायलेंस के मुद्दों पर काम करेंगे. हम वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, मीडियम्स, टूल्स यूज करते हैं. हम स्पोर्ट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम कल्चरल एक्टिविटीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं. हम थोड़ा ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज से हटकर थोड़ा पार्टिसिपेटरी मेथोडोलॉजीज को यूज करते हैं. और इसका मकसद ये है कि ये जो यूथ है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो खुद से जेंडर बेस्ड वायलेंस के इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, उनको पहचाने जो उनकी लाइफ्स को, उनकी कम्युनिटीज को अफेक्ट करते हैं, और फिर मिलकर कलेक्टिवली वो इन प्रॉब्लम्स का, इन इश्यूज का सोल्यूशन ढूंढे और उस पर काम करें. एंड दैट इज व्हाट वी एसेंशियली मीन बाय बिल्डिंग लीडरशिप, बाय इनिशिएटिंग लीडरशिप, दैट दे बिकम द लीडर्स हु आइडेंटिफाई देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड हु फाइंड सोल्यूशंस टू देम. हम यूथ लीडर्स को खुद से जाके सिलेक्ट नहीं करते हैं. हम जब भी किसी लोकेशन में जाते हैं, आवर इवेंट्स आर ओपन फॉर एवरीवन, एंड व्हेन यूथ जॉइन अस वो अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करते हैं कि वो प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते. और जो अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करते हैं वो फिर हमारे साथ सस्टेनेबल तरीके से काम करते रहते हैं और काम उनका आगे, जैसे कि हम बोलते हैं कि कदम उनके बढ़ते ही चले जाते हैं. तो यू नो, एक यूथ लीडर जुड़ता है उसके साथ पांच और जुड़ते हैं और ऐसे कारवा बनते बनते लाइक वी से के कदम बढ़ते ही चले जाते हैं. तो ये एक हमारा ब्रीफली, यू नो, दिस इज हाउ वी वर्क विद यूथ ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस.
I'll pass on the conversation to you now, and maybe later on my colleague Praatibh will be able to tell you a bit more about that. What exactly do we do? What is the process? Of course. Aapne bahut easily explained kiya ki collaboration ka hi solution hai ye sab. The point of any action is, it's not very helpful if we work in silos, you know. And aapne theek kaha ki agar ek jud gaya to panch aur jud ke aayenge saath mein, which is really lovely. Since aapne kaha ki ye log apne aap ko nominate karte hain, self nominate youth leaders hain. So main youth leaders se sunna chahti hu, aapne kis cheez ke bare mein soch kar ye decision liya ki aap leader banna chahte ho, aap apne aap ko self nominate kyun kiya? Aap tinon jo bhi order mein aap answer karna chahte ho, that's perfectly welcome, but I'd love to hear all three of your thoughts. जैसे मैम आप पूछ रहे हैं हमारे से, भाई तुम किस चीज पे काम करते हो? हम जैसे मैम बाल विवाह हो गया, महिला के ऊपर मारपीट, दहेज प्रथा आदि और भी है जो महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं मैम हम. और हम हमारे गांव में जब भी कुछ ऐसा होता है हम वहां जाकर देखते हैं. जैसे बाल विवाह है, बाल विवाह में हम जाके देखते हैं भाई लड़की पहले 18 साल की है क्या नहीं है. जो नहीं है तो हम उसके खिलाफ एक्शन उठाते हैं, उनके घर वालों को समझाते हैं. और दहेज प्रथा जैसे वो भी उसी में आता है मैम. जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, दहेज नहीं दे सकते, तो उनको हम समझाते हैं और कोशिश करते रहते हैं मैम. और जो हमारे रैप में भी ऐसा ही होता है, हमारे रैप में जैसे बाल विवाह का भी मुद्दा उठाया है, दहेज प्रथा का. जैसे पेट में कोई लड़की हो उसको पेट भी मार देना, पैदा ना होने देना. तो ये है आई थिंक सरिता भी थोड़ा अभी बात करना चाहेगी, क्योंकि सरिता कुछ 6 साल से कदम बढ़ाते चलो से जुड़ी हुई है. इनफैक्ट जब मार्था हमारे साथ थी, मार्था ने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, तब से सरिता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई है. सो आई थिंक वो भी बताना चाहेंगी. बिल्कुल, हम भी सुनना चाहेंगे. तो सरिता आप बताना चाहोगे कि आप कैसे जुड़े, आपको क्या प्रेरित किया, क्या इंस्पिरेशन मिला कि आप केबीसी के साथ जुड़ गए? जरूर मैम, जैसे कि हमारे गांव में मीटिंग्स होती थी तो पता चला भी हाँ इस नाम का कोई फाउंडेशन है, ऐसे कोई एनजीओ है. और हमारे समाज में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे अत्याचार होते हैं, ऐसे हिंसा होती है. पहले क्या होता था, नाम तो सुना होता है कि हाँ भाई महिला हिंसा भी कुछ होता है, लेकिन पता नहीं था कि रियल में होता क्या है. लेकिन धीरे धीरे जैसे हम मिले, मैम ने हमें बताया कि भी ऐसे होता है, ऐसे लेडीज पे टॉर्चर होता है, तो हम इसको हिंसा बोलते हैं. और आपने हमें पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम लीडर, आप लीडर क्यों बनना चाहते हो, आपने क्यों अपने आप को नॉमिनेट किया लीडर बनने के लिए? तो इसलिए कि ये हमारी सोसाइटी है, खुद की सोसाइटी है, और हमें ऐसे मुद्दे मिल रहे हैं जो हम ही से जुड़े हुए हैं, महिला हिंसा और हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, जितने भी ये हम ही से रिलेटेड मुद्दे हैं. और इन पे काम करना एक फक्र की बात होगी, बिकॉज मुझे से जो रिलेटेड है वो मुद्दा है, और उस पर मैं ही समझ पाऊंगी कि मुझसे कितनी, मैं कितनी प्रॉब्लम में हूँ, और उसको अगर मैं दूर नहीं करूंगी तो कौन करेगा? तो जज्बा था कि मुझसे रिलेटेड मुद्दा है और मैं इसलिए मैंने खुद को लीडर बनाया. थैंक यू. वेरी इंस्पिरेशनल सरिता जी, थैंक यू सो मच आपने जो शेयर किया. आदित्य जी आप शेयर करना चाहते हो? यस मैम, जैसे हमारे लोग कर रहे हैं तो उसमें इंटर्नशिप करनी होती है आफ्टर एग्जाम. तो पहले तो एज अ फॉर्मल के इंटर्नशिप करनी है भाई, ऐसे ऐसे करनी है एनजीओ में. बट मैम फिर मेरे फादर ने इंट्रोड्यूस करवाया इसे एमएफएफ से. तो मैम यहाँ आया मैम, मैम ने मुझे बताया इसके बारे में, इन्होंने मॉड्यूल करवाए और सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के बारे में बताया, वो मैंने खुद पढ़ा सारा. तो मैम मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मैंने अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स है या कलीग्स है उनको बताया, उनको भी इंटरेस्टिंग लगा. तो मैम शुरू कर दिया. आई थिंक हमारे तीनों यूथ लीडर्स ने जो कहा है अभी, उससे एक चीज बहुत निकल के आती है कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं उनकी खुद की लाइफ से जुड़े हुए हैं. जैसे आदित्य ने बोला कि
उसके कॉलेज में जो उसके फ्रेंड्स है द वुमेन फ्रेंड्स दैट ही हैज व्हेन ही शेयर्ड इट विद देम ही सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इश्यूज एंड दैट्स हाउ ही गॉट यू नो गॉट हिमसेल्फ टू वर्क ऑन देम. और वैसा ही मोहित ने बोला कि क्योंकि मोहित जिस गांव से आता है वहां पे बाल विवाह का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम्स अपने फैमिली में अपने आस पड़ोस में देखते ही यू नो इट टच्ड हिम एंड दैट इज हाउ ही सॉर्ट ऑफ बिकेम अ केबीसी यूथ लीडर बिकॉज ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट दोज इश्यूज. और सरिता ने भी वही बात बोली है. प्रातः आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये जो सवाल था सेल्फ नॉमिनेशन तो कितना प्रोसेस किस तरीके से हम लोग का चल रहा है जब हम लोग शुरू भी करते हैं कदम बढ़ाते चलो तो ये प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ नई चीजें. फॉर एग्जांपल जेंडर के ऊपर बात करते हैं हरियाणा जैसी जगहों पे या ऐसे बहुत सारे हमारे इंडिया में अलग अलग जगहों पे जगह है जहाँ पे लड़के और लड़कियां साथ में खेलते नहीं है. हम लोग उस मुद्दे से शुरू करते हैं एंड उसके बाद किस तरीके से वो लोग खुद आगे लीड करते हैं तो आगे क्या होता है कुछ लीडर्स वहां से निकल के आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो अपने इश्यूज को लेना शुरू करते हैं अपने एक्टिविटीज प्लान करना शुरू करते हैं अपने इवेंट्स प्लान करना शुरू करते हैं एंड वो फिर आगे बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल जो अभी यहाँ पे बात चल रही थी तो आदित्य अपने कॉलेज में सेक्शुअल हैरेसमेंट के मुद्दे को लेकर गया वहां पे उसने बात करी तो ये एक चीज दिखाती है. इंटर्नशिप हम सब करते हैं लेकिन क्या हम उन चीजों को लेकर अपने कॉलेज तक जाते हैं वापस तो वो है जिसकी शायद जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने किया. या अपने ही समाज में रह के मोहित ने रैप बनाना शुरू किया एंड उसको इस लैंग्वेज में लेके आया जो शायद मेन स्ट्रीम से अलग है जो शायद महिला हिंसा के ऊपर है जिसके ऊपर शायद लोग सुनना नहीं चाहते. तो ये सब जो प्रोसेसेस हैं इसके ऊपर ये लोग खुद वो चीज लेके आ रहे हैं. आज सुबह हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आया. हमारा एक यूथ लीडर है जो कि नजफगढ़ दिल्ली में है और उन्होंने रिसेंटली पीएसए किया था. पीएसए हमारा एक टूल है पार्टिसिपेटरी सेफ्टी असेसमेंट. तो उस टूल के अंतर्गत ये होता है कि हम लोग एरियाज मैप करते हैं उसके बाद उन मैप में हम लोग ये चीजें देखते हैं कौन सी जगहें सुरक्षित है सेफ है अनसेफ है एंड उसके बाद कोशिश करते हैं अगर हम लोग उसमें कुछ चेंज ला सके. कई बार हम लोग अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करते हैं तो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू होती है. तो दिल्ली में जो हुआ उसमें यह था कि एक पार्क को उन्होंने मार्क किया था एंड उस पार्क में नॉर्मली लड़कियां नहीं आती थी. पीएसए जब हुआ जो लड़कियां उस दिन इन्वॉल्व थी उन्होंने धीरे धीरे कबड्डी खेलना शुरू किया. तो एक छोटा ग्रुप था जिसने कबड्डी खेलना उस पार्क में शुरू किया जहां पर कोई नहीं खेलता था पहले लड़कियां नहीं जाती थी. एंड आज उसने जब फोन किया तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि उसने बोला आज मैं बहुत खुश हूँ. ये लड़के ने बोला उस यूथ ने बोला कि आज मैं बहुत खुश हूँ एंड उसने पूछा आपको भी जाकर खुशी होगी क्योंकि जिस पार्क में कोई नहीं जाता था आज वहां पे एक टूर्नामेंट हो रहा है आज वहां पे 25 लड़कियां एक साथ खेल रही हैं एंड यू आज हो रहा है. तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि किस तरीके से लोग अपने रास्ते ढूंढते हैं. यूथ अपना रास्ता ढूंढता है सेफ स्पेसेस को डिफाइन करने के लिए और सेफ स्पेसेस को आई शुड से क्लेम करने के लिए. तो ये एक चीज है जो नई नजर आ रही है. सो ब्यूटीफुल आपने जो अभी शेयर किया मुझे एक्चुअली एक लड़की की बातें याद आई. 13 साल की एक लड़की हुआ करती थी वर्ल्ड वॉर टू के ज़माने में. उसका नाम था एना फ्रैंक जो आज एक डायरिस्ट के रूप में जानी जाती है. और उसने अपनी डायरी में लिखा हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ दैट नोबडी नीड्स टू वेट बिफोर दे चेंज द वर्ल्ड. और आप सब ने वो करके ही दिखाया. दैट इज़ सो ब्यूटिफुल. थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. मेरा भी ये सवाल है प्रातिभ जी आपने जो शेयर किया इट्स अ थियोरी ऑफ चेंज एंड आपके पास काफ़ी टूल्स हैं काफ़ी फैसिलिटेटिव रिक्रूटमेंट है जो आप इन चैंपियंस को देते हो ट्रेन करते हो उनको. सो उसके बारे में आप कुछ बात कर सकते हो कि आप किस तरह से उनको ट्रेन करते हो किस तरह से फैसिलिटेट करते हो उसका कोई प्रोसेस है ऐसा कुछ. हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं जैसा मैं बता रहा था कि ये प्रोसेस में अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं. जो मेजर है हमारा हम लोग स्पोर्ट्स से शुरू करते हैं डिस्कशन क्योंकि यूथ है वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक्टिविटीज में
तो स्पोर्ट्स से हम लोग शुरू करते हैं एंड उसके बाद स्पोर्ट्स में हम लोग जेंडर का कंपोनेंट जोड़ते हैं. जैसे कि मैं बात कर रहा था कि हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़की लड़कियां कैसे एक साथ खेल सकते हैं, तो मिक्स ग्रुप्स में वो लोग खेलते हैं पहले. उसके बाद वहां से वो जब आइस ब्रेक होती है उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जेंडर को और थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं कि ओके किस तरीके से एक लड़का और एक लड़की की लाइफ अलग है एंड किस तरीके से हमारे सोशलाइजेशन या सोसाइटी ने उस तरीके से बनाया है. डू एंड पिंक से लेके बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग देखते हैं, जो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें दिखती है, रोजमर्रा दिखती है. तो वो सब चीजें हम लोग वहां शुरू करते हैं, सीरो टाइप से बात करते हैं उस समय. उसके बाद हम लोग कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे हम लोग सेफ एंड अनसेफ स्पेसेस को मार्क करें. तो उसमें हम लोग पीएसए करते हैं, पार्टिसिपेटरी सेफ्टी असेसमेंट, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया, वो होता है. थर्ड लेवल पे आके हम लोग कोशिश करते हैं कि यूथ लीडर तो प्रिपेयर हो गए हैं, उन लोगों को समझ में आ गया हमें आगे क्या करना है. एंड मतलब जैसे एक पुरानी आपने शायद सुना होगा, बोलते हैं कि हंगामा तो खड़ा हो गया है लेकिन अब आगे क्या क्या करना है वो यूथ डिसाइड करेगा. तो यूथ किस तरीके से डिसाइड करता है वो उनके ऊपर है. हमारे प्रोसेसेस यहीं तक होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे ये बहुत ऑर्गेनिक होता है प्रोसेस. कई जगह पे क्या होता है कि यूथ डिसाइड करते हैं कि हमें अथॉरिटी से बात करनी, कई जगह पे बात सोचते हैं कि नहीं हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी, कई जगह पे पंचायत से उन्होंने बात करी है. तो अलग अलग तरीके से लोगों ने काम किया है हमारा. अगर उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि महिला हिंसा पे बात हो रही है तो हम लोग और मुद्दों को नहीं लेते हैं. कई बार ऐसा होता है कि यूथ अपने हिसाब से मुद्दे अपने चुनते हैं. जैसे छत्तीसगढ़ में लास्ट कुछ महीने में हमारे पास जो न्यूज आ रही है उसके हिसाब से यूथ ने डिसाइड किया कि उनके यहाँ सीवेज का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसके ऊपर काम किया क्योंकि वो प्रॉब्लम सबका है. तो ये एक अलग चीज है. एक सिलीगुड़ी में हमारे पास एग्जाम्पल था जहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक केस था एंड यूथ ग्रुप ने मदद की उस केस को फाइल करने में एंड उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया एंड एफआईआर हुआ, उसके बाद के पूरे प्रोसेसेस हुए. तो ये एक चीज है. एक जगह पे हमारे पास कैलमपोंग में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कैलमपोंग का एक केस था जहाँ पे एक बात आई कि टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग की क्योंकि वहां पे शेयर टैक्सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था. तो वहां पे ये हुआ कि किसी ने ये फील किया, एक लड़की ने, एंड पूरे ग्रुप ने उसे सपोर्ट किया. उसके बाद जब ये बात टैक्सी यूनियन तक गई तो टैक्सी यूनियन ने हमें बोला कि नहीं, हमारे सारे यूनियन को सेक्सुअल हैरेसमेंट की ट्रेनिंग की जरूरत है. तो इस तरह की चीजें निकल के आती है. जयपुर में पुलिस के साथ हम लोगों ने काफी काम किया है, तो पुलिस के साथ जब काम हुआ तो उन्होंने खुद से अपने लेवल पे काफी चीजें की. हरियाणा में पंचायत ने लाइट्स लगवाई क्योंकि अंधेरा एक बहुत बड़ा इशू है, शाम के टाइम लड़कियां निकल नहीं सकती, उसके लिए काम हुआ. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पंचायत या सॉरी लोकली निकल के आई है यूथ के थ्रू. तो वो जो प्रोसेस है हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा मोटिवेट करते हैं यूथ को कि वो उसको आगे ले जा सके. तो ये पूरा प्रोसेस है एंड ये सब जगह अलग होता है. ब्यूटीफुल, काफी इंटेंसिव लग रहा है ये. सो आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ इट ये लोग जो स्किल सेट के साथ दुनिया में जाएंगे, थिंक देयर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव चेंज इन एवरी स्टेप इन द फ्यूचर. अब मैं जानना चाहती हूँ चैंपियन से उनके काम के बारे में. सो शुरू करते हैं आदित्य जी से. आदित्य जी, आप लॉ पढ़ रहे हो और आप जो काम कर रहे हो मतलब जेंडर के मुद्दों पे या महिला हिंसा के इश्यूज के बारे में लेखक, आप लॉ के पर्सपेक्टिव से क्या देख रहे हो, कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए और आप कौन सी चीजों पे ध्यान देते आए हो अपने काम में? सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट के अनुसार आपको बताया गया कि हर एक इंस्टीट्यूट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनल कमेटी होनी चाहिए इन मुद्दों से रिलेटेड, ताकि जहां पर कंप्लेंट कर सके लड़कियां. आदो को तो यू ही नहीं पता होता कि ये चीज क्या है. तो मैम एक तरह से इसके बारे में अवेयर भी करता हूँ, मैम जो मेरी फ्रेंड्स है उनको भी और बताता हूँ, और मैम उनकी वर्किंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं मेरे एरिया में, आई मेक श्योर. आदित्य को थोड़ा ऐड करते हुए, ये आदित्य के काम के फलस्वरूप रिसेंटली
ITIs जो है इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट है सोनीपत पानीपत में दे आर नाउ पार्टनरिंग विद मार्था फैरल फाउंडेशन टू ट्रेन ऑल द इंटरनल कमिटीज फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये आदित्य का एक्चुअली एफर्ट था जिसकी वजह से दिस केम थ्रू सेकेंडली आदित्य की एफर्ट की वजह से अब हम ITI के स्टूडेंट्स के साथ भी रेगुलर बेसिस पर सेशंस ट्रेनिंग सेशंस वगैरह कर पा रहे हैं हमने जो रिसेंटली कीर्ति आपसे इतने दिनों से बात चल रही है हमने रिसेंटली हरियाणा में 6 PSAs किए थे इन लाइट ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे ओनली ये हमने अभी हाल ही में 6th or 7th में किए हैं तो ये PSAs हमने इनफैक्ट ITI के ITI पानीपत गवर्नमेंट ITI पानीपत के स्टूडेंट्स के साथ किए जो हमारे साथ गए और उन्होंने अपने खुद के शहर की सेफ्टी और अनसेफ्टी के ऊपर जांच पड़ताल करी सो यू नो एक इंटर्न आते हैं और वो हमेशा जैसे प्रातिभ बोल रहा था कि एक इंटर्नशिप अक्सर एक इंटर्नशिप की तरह ही ली जाती है बट आदित्य हैज एक्चुअली गॉन अहेड और उन्होंने इस तरीके से इसको स्नोबॉल किया है कि वीव बीन एबल टू बिल्ड सम अमेजिंग लिंकेजेस टू कम अप विद सम अमेजिंग कोलैबोरेशंस टू सस्टेन दिस वर्क दैट वी बीन डूइंग फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट यू नो 3 years आई थिंक आई नाउ मैं सरिता से रिक्वेस्ट करूंगी सरिता आप बताओ आप कैसे करते आए हो अपने गांव में काम कैसे करते आए हो आप लोगों ने तो बहुत काम किया है सेफ्टी के मुद्दों पे तो बहुत काम किया है पंचायत के साथ स्पेशली तो आप बताइए सबको हमारे व्यूअर्स को तो मैम ने जैसे बताया कि सेफ्टी के ऊपर हमने बहुत काम किया है तो सर ने बताया था PSA क्या होता है तो हमने हमारे गांव में PSA किया गांव में एक चौपाल होती है वहां पे गांव की सारी लड़कियों को हमने इकट्ठा किया और गांव का एक मैप ड्रॉ किया हर एक कोने का फिर वहां पे पूछा कि भाई आप कहां पे सेफ हो कौन कौन सी जगह आप अनसेफ फील करते हो क्यों करते हो वो सारी जगह निकल के आई फिर हम उस मैप को सरपंच के पास लेके गए जो कि गांव का हेड होता है उसी के पास सारे गांव के मामले सॉर्ट आउट होते हैं तो उनसे जाके हमने बोला कि ये प्रॉब्लम होती है तो गांव में हमने स्ट्रीट लाइट लगाई बहुत जगह क्योंकि लड़कियों का कहना था कि यहाँ पे बहुत अंधेरा है और इसलिए हम नहीं जा पाते तो वहां पे गांव में हमने स्ट्रीट लाइट लगवाई दूसरा हमारे गांव में ऑटो अंदर तक नहीं जाते थे जिसकी वजह से लड़कियों को बहुत दिक्कतें आती थी काफी ज्यादा चलना पड़ता था तो वो हमने किया तो धीरे धीरे ऑटो गांव में अंदर आने गांव के अंदर आने लगे और गांव में जैसे ठेका होता है शराब का तो वहां पे बहुत सारे जितने भी आदमी शराब पीते इकट्ठा रहते हैं लड़कियों पे कमेंट करते हैं तो वहीं से लड़कियों का स्कूल कॉलेज भी पड़ता है तो लड़कियों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर वो बिल्कुल गांव के बाहर है तो हमारे प्रयासों से और भी हमने बहुत सारे एफर्ट किए फाइनली हमने बहुत मेहनत की रैलियां निकाली पोस्टर लगाए लोगों को घर घर जाके समझाया कि ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे समझे और हमारा रिजल्ट निकल के आया जो मैंने आपको अभी बताया थैंक यू सरिता आप वो बात भी बताना चाहेंगे कि आप पंचायत के किस साथ किस तरह से बाल विवाह की रोकथाम पर काम कर रहे हो जी अभी अभी हमने पंचायत के साथ बात की थी कि क्योंकि गांव में क्या होता है कि हमें कई बार पता भी नहीं चलता और बाद में पता चलता कोई बताता है कि उस लड़की की तो ना शादी कर दी गई और उसकी तो अभी एज भी नहीं हुई थी तो हम पंचायत के साथ हमारा यूथ मैं गई बाकी सब लड़कियों के साथ कि भी अब जितनी भी शादी होगी ना तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओगे उससे हम कंफर्म करेंगे कि इसकी एज हो चुकी है ये बालिग है या नाबालिग है और स्पेशली उस लड़की से जाके पर्सनली बात करेंगे कि आप हैप्पी हो या आपकी जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है या आपकी जबरदस्ती शादी हो रही है तो हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे तो ये अभी नया मुद्दा हमने शुरू किया है आई होप इससे बहुत ज्यादा मतलब सुधार होगा बिल्कुल निहारिका जी एक मिनट मोहित से जाने से पहले सरिता जी आपसे पूछना चाहती हूँ आप 6 साल से दरअसल इस काम में रहे हो तो इन 6 सालों में आपने क्या क्या चेंजेस देखा और किस चीज पे हमें और ध्यान देना चाहिए जहाँ पे चेंज नहीं हुआ मैंने ये देख चेंजेस तो जैसे बहुत आए हैं पहले तो पता भी नहीं होता था 6 साल की खेलने की उम्र होती है तब मुझे ये सब बातें पता चली तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ मैम जी की मुझे इतनी छोटी एज में नॉलेज मिल गई ऐसा भी हमारे देश में बहुत सारी हम कितना भी कुछ कर ले बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है कई बार हो जाता है कि जैसे रेलवे में होता है रेलवे स्टेशन पे कि आप कितना भी चाहे कुछ भी करो लेकिन अनसेफ होता है तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पे अभी तक काम नहीं किया गया या अभी तक नजर नहीं पड़ी किसी की
जो लड़कियों से ही रिलेटेड होते हैं, तो धीरे धीरे उन मुद्दों को हम उठाएंगे, धीरे धीरे समझेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और रिजल्ट आपके सामने होगा. I will just take the liberty to add something over here. जो सरिता कह रही है, जो महिलाओं की और लड़कियों की पब्लिक में सेफ्टी का मुद्दा है, वो हमारे काम से बहुत उभर कर आया है और ये मुद्दे जो है यूथ ने खुद से उठाया है. जैसे कि सरिता ने बहुत एक बहुत सिंपल चीज बोली, पर जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, कि लड़कियां अक्सर जो रास्ता लेती है काम पे जाने के लिए, स्कूल कॉलेज जाने के लिए या रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए जाने के लिए भी, वो रास्ते अक्सर बेहद अनसेफ होते हैं, जिसकी वजह से दे कैन नॉट एक्सेस पब्लिक लाइफ द वे दे शुड बी. उनका स्कूल जाना बंद हो जाता है, काम पे जाना बंद हो जाता है. पर इन लोगों ने अपने गांव में रहते रहते ये इश्यूज देखे और इन पर काम किया कि ये रास्ते कैसे सेफ बनने चाहिए. जगह तो अपने आप में सेफ होनी चाहिए, बट इवन योर लेन्स, योर रोड्स, योर स्ट्रीट्स हैव टू बी मेड सेफ सो दैट विमेन हैव इजी एक्सेस टू एवरी प्लेस आउट देयर. तो ये जो पब्लिक सेफ्टी का जो एक मुद्दा है, ये हमारे काम से बहुत इमर्ज होकर आया है और इस पर हम बहुत ही इंटेंसिव तरीके से एक्चुअली काम कर भी रहे हैं. सो शुड मोहित प्लीज आप बताइए आप क्या कर रहे हैं. पहले मैं अपने से शुरुआत करता हूँ. पहले मैं गलियों में से घूमता था, कमेंट बाजी चौराहों पर खड़ा होना, बीच में तो मेरा स्कूल भी छुट गया था मैं. और जैसे मम्मी की तबीयत कई बार खराब होती थी तो मैं घर में काम में हाथ भी नहीं बटाता था. सो हमारे गांव में मीटिंग होने स्टार्ट लगी तो मैंने मीटिंग अटेंड करना शुरू किया. तो उसमें हमको समझाया जाता था, हम भी उन बातों पर थोड़ा थोड़ा गौर करके अपने आप में चेंज लाने की कोशिश करते हैं. सो हमें जो मेरे को जो महसूस हुआ, हमने सोचा ये यहाँ पर होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था. अगर हम लड़के हैं तो हम खुद को लड़कियों की जगह रख कर देखें तो हमें क्या फील होगा. हमने लड़कियों की जगह खुद को रख कर देखा तो हमारे इसमें भी ऐसा है जो चीजों को सेफ अनसेफ बताता है हमें, जो आदित्य और सरिता भी बता रही थी. एंड उसमें हम भी ऐसे करते हैं, यूथ ग्रुप होता है हमारा, उसमें लड़कियां मिक्स होती हैं और हम ग्रुप में बैठ के नक्शा बनाते हैं, उसमें आपस में डिस्कशन करके पूछते हैं यहाँ पर ये होना था, ये है यहाँ पर, क्यों है ये, इसके ऊपर सवाल होते हैं आपस में ही हम करके ऐसे. सो एक पंचायत बुलाई जाती है, उसमें हमारे गांव का सरपंच, मुखिया और पंच और गाँव के लोग बुलाए जाते हैं. उसमें हम पहले अपने गांव का पीएसए दिखाते हैं उनको, देखिए क्या ये हमारे गांव का ही पीएसए है, कहते हैं लगता तो ऐसा ही है. तो हमें देखा, हमें वहां पर स्टिकर लगाते हैं, हम तीन स्माइल, सैड और एक मीडियम लगाते हैं. और वहां पे मैम जैसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे लोगों को कहते हैं हम पंचायत को, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कहां पर लड़कियां सेफ और कहां पर अनसेफ है. उसमें स्माइल के चेहरे बहुत कम थे तो उसमें हम एक चार्ट पे लिखकर अपने मुद्दे सरपंच के पास लेके जाते हैं और गांव वालों को दिखाते हैं, देखो हमारे गांव में ये समस्या है, आप हमारे गांव में ये होना चाहिए, आप हमारी मदद करोगे. सरपंच बोले करेंगे, हमें एज ए प्रूफ दो, सबूत दो. क्यों, कुछ लोग ऐसे होते हैं हां भर के बाद में मुंह पर जाते हैं. तो हमें उनसे एक शपथ दिलाई गांव वालों के सामने, पंचों के सामने शपथ दिला के हमने उसमें अपने गांव में क्या क्या डिफरेंस लाया. हमारे गांव में पहले मैम थे का अंदर था वो गांव के पार, और पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती थी पहले, हमारे पुल पे जो पुल है जी वहां से ही बैक हो जाती थी, मतलब गांव के अंदर नहीं आती थी. तो हमने वो भी गांव में पेट्रोलिंग होती है, और हमारा स्कूल मैंने प्लस टू दूसरे गाँव से की है, जब हमारे गाँव में आठवीं तक का स्कूल था मैम, तो लड़कियों को आने जाने में दिक्कत होती थी. एक हमारे सर भी है जो लड़कियों में मतलब ज्यादा उनको सेफ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं उनको कमेंट करते रहते हैं, तो हमारा सर भी कुछ छोड़ने के लिए आता है. और हमें अपनी ग्रुप के साथ मिलकर एंड पंचों सरपंच के साथ मिलकर स्कूल भी बारहवीं तक का बनवाया, उससे लड़कियों में लाइटें गाँव में लाइटें लगवा दी,
और जो झुंड में खड़े होते हैं चुराव पर कमेंट करते हैं उनके ऊपर फाइन लगवाए हैं, ये सब डिफरेंस है। That's amazing. आप सबने बहुत कुछ किया and I think this is not just making an impact today ना, ये बहुत साल तक इसका इम्पैक्ट रहेगा और आगे बढ़ेगा भी। सो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है एक यूथ एक्टिविस्ट के वक्त, काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं सामने, काफ़ी सारे लोग विरोध करते हैं हमारे जो भी हम काम करते हैं उसका, रेजिस्टेंस होता रहता है एंड ऑफन ये जो रेजिस्टेंस होता है दो चीज़ों के साथ जुड़ा होता है, एक हमारे उम्र, ये कहते हैं कि ये बच्चे हैं इनको क्यों हम सीरियसली लेंगे, इनको क्या पता है, हमें एक्सपीरियंस है, और दूसरी बात ये है कि जो जेंडर का मुद्दा होता है वो काफ़ी कस्टमरी और कल्चरल चीज़ों से जुड़ी होती है, कई सारे लोग अपने कस्टमरी बिलीव्स को जेंडर के कॉन्सेप्ट में थोपते हैं और जेंडर के जो इक्वालिटी कॉन्सेप्ट जब हम बात करना चाहते हैं उसके बारे में तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका कल्चर या उनका कस्टमरी व्यू पॉइंट को ऑफेंड करते हैं। क्या आपने ऐसा कुछ रेजिस्टेंस फेस किया और आपने इन सभी चीज़ों को कैसे डील किया, आपने इनके साथ कैसे बात की और इन रेजिस्टेंस के साथ कैसे डील किया? सरिता आप बताना चाहोगे कि आपको काम करते वक्त क्या क्या मुश्किलें आई हैं, आस पड़ोस में बड़ी ताने सुने आप लोगों ने, तो मैम कीर्ति वही पूछ रही है आप लोगों से कि क्या मुश्किलें आई हैं, क्या विरोध हुआ है। जैसे कि हम सोसाइटी में कुछ नया करने की सोचते हैं तो ऐसा तो होता नहीं कि हमने सोचा और हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आती है, हमने भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेसेस की है। जैसे आपने गन तो सब बोलते थे ये बहुत बोलती है, ऐसे करती है, पोस्टर चिपकाती फिरती है, रैलियां निकालती फिरती है, क्या होगा तेरा, कौन तुझसे शादी करेगा, तो मतलब ऐसे क्या होगा तेरा, तेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी ज्यादा बोलती है, लड़की है अपनी हद में रह, घर के अंदर रह, चूल्हा चौका कर। लेकिन मुझे पता था मेरे राइट्स क्या है, मैंने उनको बोला मेरे राइट्स है और मैं कर सकती हूँ, और आपको क्या दिक्कत है, एक तो मैं अच्छा काम कर रही हूँ ऊपर से आप लोग मुझे रोक रहे हैं, सेकेंडली बहुत सारे ये बोलते भी थे कि भी इसका तो नहीं, इसको कुछ नहीं आता, बस यही आता है गांव में जाएगी घर घर बोलेगी और कुछ भी नहीं आता, घर घर बोलना इसको आता है, काम की तो बात कुछ करनी नहीं, और तुमसे हो गया था आज तक तो ये समाज बदला नहीं, और तू जाके बोलेगी तो ये समाज बदल जाएगा। तो मैंने उनको समझाया कि धीरे धीरे अगर हम किसी चीज की शुरुआत करेंगे ना, धीरे धीरे हम सब मिलेंगे, जैसे कि कदम बढ़ाते चलो, एक कदम बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, पीछे पीछे दुनिया चलेगी और एक दिन हमारा ये समाज बदल जाएगा। जैसे देखा जाता है मैम, करने में और सोचने में बड़ा डिफरेंस होता है। सो हमारे घर के जो पेरेंट्स है वो तो हमारे साथ ही है, कुछ गांव के लोग आस पड़ोस के लोग होते हैं, पहले तो पेरेंट्स को कहते हैं, फिर मेरे को बोल देते हैं, पेरेंट्स भी गुस्सा होके हमें डांटने फुकारने लग जाते हैं, ऐसे कहते हैं रहने दे छोड़ दे काम, और उनको हम जवाब तो दे नहीं सकते, क्यों हमारे ऊपर ही फर्क पड़ेगा, ऐसे कहेंगे तुम्हारे में खुद में तो चेंज है नहीं है और तुम दुनिया को चेंज करोगे। हमने कोशिश करनी चाहिए मैम, जो हमें आज ताने मार रहे हैं उनको हम कुछ करके दिखाएंगे, वो कर दिया उनका मुंह अपना आप बंद हो जाएगा मैम, और एक बंदा अगर अकेला चलेगा मैम कुछ कोशिश करेगा, आज फेल हो गया कल फेल हो गया परसों पास हो गया तो कितनी खुशी होगी मैम, आस पड़ोस के लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। ज्यादा अगर देखा जाता है मैम आस पड़ोस के लोग ताने मारते हैं, ये बनेगा समाज सुधारक ऐसा ऐसा। थैंक यू मैम। जब मेरे एग्जाम्स खत्म हुए तो मैम जैसे छुट्टियों में, तो सबसे पहले तो मैम जो पीयर प्रेशर होता है मैम, जो आपस के लोग होते हैं कलीग्स होते हैं, उन्होंने कहा कि चलो वहां पर चलते हैं अपनी गवर्नमेंट एसोसिएशन में, वुमेन एंड चाइल्ड केयर मिनिस्ट्री जो होती है मैम हमारी, तो उसमें चलते हैं, चलो वहां पर इंटर्नशिप करेंगे। बट मैम वहां पर मैंने देखा कि ऑफिस है, ऑफिस में एसी में बैठे आराम से फाइल देखे जा रहे हैं, पूरा भंडार लगा हुआ फाइल का, फिर मैंने सोचा इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं, फाइल पढ़ेंगे केस पढ़ेंगे उसमें से पॉइंट आउट करेंगे एंड देन उनको बताएंगे, इससे बढ़िया मैं फील्ड वर्क करना चाहूंगा, मैं खुद जाके खुद पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू फील, लड़कियों से पूछना चाहूंगा और अपने दोस्तों से जहां मैं पढ़ता हूँ आईटीआई में,
सबसे पूछना चाहूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा, उनको नॉलेज दूंगा कि कैसे कैसे क्या कमेटी काम करती है, इंटरनल कमेटी एंड Again, I'm taking the liberty of adding something. ये peer pressure का मुद्दा बहुत बड़ा है, especially young boys, लड़कों के केस में, क्योंकि लड़कियों के प्रति किसी तरीके का बर्ताव करना, उनको देखकर गाने गाना, टिप्पणियां करना, एक उम्र में इस तरीके के बर्ताव को बड़ा cool माना जाता है. That is like the ideal मेल बिहेवियर, ये मर्दानगी है. तो जो लड़के इससे अलग हटके कुछ और करना चाहते हैं, उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत होता है, और जब वो अपने पीयर में इस तरीके के सवाल उठाते हैं, वो एक बहुत बड़ा रिस्क भी लेते हैं. यू नो, दे कैन टोटली फॉर आस्किंग सच क्रिटिकल क्वेश्चंस इन देयर ओन ग्रुप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको कंप्लीटली एलिनेट ही कर दिया जाए, उनसे बात ही ना किया जाए. और अक्सर ये भी होता है कि यू नो, दूसरे लड़के आके उनको गाली गलौज या मारपीट भी कर सकते हैं. तो इन अ सेंस जो यंग बॉयज ऐसे जुड़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है. दे आर एक्चुअली ब्रेकिंग अ नॉर्म. तो दिस इज यू नो वन स्मॉल बिट आई वांटेड टू ऐड. आई थिंक प्रातिभ आल्सो कीर्ति, आई थिंक इट इज वो भी कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं यूथ के साथ में, लेकिन अगर हम लोग अपने सेक्टर की बात करें, I mean, being an activist, क्या ये इजी तो आपके लिए रहा कि इस चीज को लेना, जबकि सब मेनस्ट्रीम में कुछ और ही कर रहे हैं? तो या हमारे लिए, मेरे लिए कितना शायद वैसा है कि जेंडर में मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ डेवलपमेंट सेक्टर में भी बहुत कम लड़के होते हैं, एंड हम लोगों ने अपनी फैमिली से बहुत कुछ सुना है कि ये कैसे प्रोफेशन हो सकता है. ये तो एक सर्विस है जो लोग शायद काम के बाद सेकेंडरी चीज कर सकते हैं. तो ये चीजें सबके साथ होती हैं, ये शायद माइंडसेट है जिसको बदलने की जरूरत है, एंड हम ही से होगा. तो मैं शायद लिबर्टी ले रहा हूँ अपने आप को भी यूथ के साथ ही रखने की. तो Of course, नहीं, आप सही कह रहे हो, बिकॉज ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ट्राइंग टू चेंज. यही मेरा माइंडसेट है. Which actually brings me to the next question, which is, जब हम पेट्रियार्की के बारे में बात करते हैं, यानी कि पितृसत्ता, वो काफ़ी प्रिविलेंट है. आप जहाँ भी जाओ, इंडिया में हो या बाहर, इंडिया में कहीं भी जाओ, ये प्रिविलेंट है. और इसी ने डिफाइन कर लिया कि मैस्कुलिनिटी का आइडियल कुछ ऐसा है कि थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग या अग्रेसिव होना है, या लड़के जैसे जैसे निहारिका जी ने बताया अभी कि लड़कियों पे कमेंट्स मारना, ये सब आइडियल मैन का एक टाइपकास्ट बन गया है. और उसकी वजह से जो भी उस रास्ते से हटने की कोशिश तब करता है, उसको बहुत सारे रिप्राइजेस मिलते हैं. बट आपको क्या लगता है कि मेन एंड बॉयज इनको कैसे शामिल किया जा सकता है इस तरीके के काम में और इस मुद्दे पर, क्योंकि उनका काम भी बहुत, ये उनको भी अफेक्ट करता है, जो है उनको भी डिह्यूमनाइज करती है, उनको भी मॉन्स्टर्स बना देती है ना. सो आपको क्या लगता है कि हम इनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इन तरीके के काम में? प्रातिभ ने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम स्पोर्ट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं. स्पोर्ट्स को इस्तेमाल करने का हमारा एक कारण ये भी है कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा इक्वलाइजर है. लड़का लड़की जो कभी पहले काम नहीं करते थे साथ में, एक दूसरे की शक्ल भी देखने को तैयार नहीं होते हैं, जब आप उनको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के थ्रू इन्वॉल्व करते हो, तो लड़का लड़की के बहुत ही अलग पहलू एक दूसरे के उनके सामने निकल के आते हैं. क्योंकि लड़कों को लगता है कि लड़कियां स्पोर्ट्स खेल नहीं सकती है, पर जब लड़कियां खेलती है तो जो लड़के हैं उनमें एक और सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता आती है ये लेकर कि लड़कियां भी उनके माफिक ही, उनकी जैसी ताकत लेकर ही खेल सकती है. दूसरा ये है कि हम जिस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, दीज आर नॉट कम्पेटिटिव स्पोर्ट्स एसेंशियली, ओके, बट उसमें यू नो, यू हैव टू कम टुगेदर एज अ टीम, यू हैव टू कम अप विद योर ओन स्ट्रैटेजी टू विन द गेम और टू यू नो टेक इट अहेड. तो उसमें कई बार लड़के इमोशनल हो जाते हैं
और अक्सर ये सोच है कि भाई मर्द नहीं रोता है तो या वो इमोशनल नहीं होते हैं. तो लड़कों के भी जो ये पहलू है कि जो आप बोल रहे हैं कि वो डीह्यूमनाइज किए गए हैं पेट्रियार्की की वजह से, उनके इमोशनैलिटी को बिल्कुल ही डीलेजिटिमाइज कर दिया गया है, वो इन तरीके की एक्टिविटीज से निकल कर आती है जिससे उनको वो अपने आप को कैसे देखते हैं या अपने बारे में क्या सोचते हैं वो भी बदलता है, और लड़कियां भी उनके बारे में क्या सोचती हैं या देखती हैं वो भी बदलता है. ये एक तरीका है जिससे हम लड़कों को बहुत इन्वॉल्व करते हैं. हम मिक्स जेंडर एक्टिविटीज पे बहुत एम्फेसिस देते हैं. जो भी हम स्पोर्ट्स तो इज वन एक्टिविटी, बट उसके अलावा भी वी डू अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज आर ऑल मिक्स्ड जेंडर एक्टिविटीज. नाउ इंटरेस्टिंगली वी हैव ऑल्सो सीन बॉयज टॉकिंग एंड वर्किंग ऑन मेंस्ट्रुएशन. क्योंकि हम आई मीन ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट वी build capacities of youth, and every year we also with a lot of energy and spirit we celebrate the World Menstrual Hygiene Day. क्योंकि ये मुद्दा बहुत important है जो youth की तरफ से ही निकल कर आया है. तो उसमें ना हमें हमारी यूपी में चित्रकूट वाराणसी साइड पे facilitator थी, उनका एक बार एक फोन आया. तो उसके कुछ ही दिन पहले हमारा नेशनल यूथ लीडरशिप प्रोग्राम हुआ था यहाँ दिल्ली में. तो उन्होंने बोला कि आप इनको क्या बता रहे हैं, क्योंकि अपेरेंटली वन ऑफ आर मेल यूथ लीडर्स फ्रॉम देयर, वो उनकी भाभी थी शायद, वो घर पे गया और उसने अपने घर की सारी महिलाओं को मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत बड़ा मतलब एक ट्रेनिंग दे दी उसने एक किस्म से कि यू नो हाउ शुड देयर बी प्रॉपर डिस्पोजल, यू नो यूसेज ऑफ क्लीन प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड शी वाज टेलिंग अस कि उसने तो इतने कॉन्फिडेंस से बोला और उसने इतनी अच्छी इंटेंशन से बोला, पर क्योंकि हम लोग यूज्ड नहीं है हम थोड़ा शर्मा गए. तो मतलब वही जो मैं बात कर रही थी ना कि लड़के जो इन मुद्दों पे काम करते हैं वो एक बहुत बड़ा चैलेंज उठा रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके लिए उनको नहीं देखा जाता है इस नजर से कि वो घर पे जाके मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर बात करे या वो डाउरी पे बात करे या फिर वो इवन एवरीडे वायलेंस दैट हैपेंस ऑन द रोड, इट्स नॉट सीन एज समथिंग दैट मेन शुड बी टॉकिंग अबाउट, स्पेशली इन दीज लोकेशंस व्हिच आर नॉट यू नो मेट्रोपॉलिटन लोकेशन. तो इन अ सेंस वो बहुत बड़ा चैलेंज ले रहे हैं अपने आप पर. हम लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट में काफी काम करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्म, तो हमेशा हम लोग ये चीज देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट में जब बात आती है तो हमेशा एक मतलब वो विमेन सेंट्रिक है. आपको अगर बात करनी है तो इसके बारे में आप महिलाओं को बताओ, उनको इस एक्ट के बारे में बताओ, लेकिन मेल अपने आप को इससे अलग रखना चाहते हैं. एंड इंटरेस्टिंगली अगर केस होगा तो दोनों पार्टी इन्वॉल्व होंगी, दोनों लोग होंगे. ये ऐसा नहीं है कि आई मीन किसी के साथ हो रहा है लेकिन किसी ने किया भी है. तो आप लोगों दोनों लोगों को ये समझने की जरूरत है कि एक्चुअली प्रोविजंस क्या है, क्या क्या चीजें हैं. एंड कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है कि एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट है. हाथ मारना, सीटी मारना, किसी का पीछा करना, ये सब चीजें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, लेकिन कई बार हमें नहीं भी पता होता है. तो ये चीज समझनी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो जब हम लोग काम करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको इन्वॉल्व करें, सबको इक्वली स्पेस मिले अपनी चीजें शेयर करने के लिए भी, कि उनके दिमाग में क्या परसेप्शन है सीटी मारने को लेकर या आंख मारने को लेकर. हम लोग ये भी डिस्कस करते हैं एंड इस लेवल पे लोगों के साथ इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट वो चीज क्लियर, वो भी आइस ब्रेक होने की जरूरत है. जो आपकी नॉलेज है वो भी शायद बदलने की जरूरत है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बदलने की जरूरत है. वो तब होगा जब हम दोनों में इन्वॉल्व करेंगे. अगर हम लोगों ने सिर्फ लड़कियों को या महिलाओं को ये चीज बता दी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है तो उससे फायदा क्या है, जो करने वाला है उसको नहीं पता है या जिसके थ्रू ये हो रहा है उनको नहीं पता है कि क्या चीजें हैं. तो आई थिंक ये चीज है जो मुझे लगता था ये भी ऐड करने की जरूरत है जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं. सॉरी आप कुछ बोल रही थी निहारिका जी. हाँ,
दूसरा ये है कि क्योंकि हम सेफ स्पेसेस पर बात कर रहे हैं, लड़कों का लड़कियों का सेफ्टी का नजरिया बहुत अलग होता है. लड़के सेफ्टी पर कुछ सोचते हैं, लड़कियां क्योंकि वो रोजाना बेसिस पर सेफ ना होना महसूस करती है तो उनका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है. तो जब हम पार्टिसिपेटरी सेफ्टी असेसमेंट्स की इतनी देर से बात हो रही है, तो जब हम PSAs करते हैं और फिर जब एंड में हम साथ में बैठते हैं जानने के लिए कि कौन सी सेफ स्पेस सेफ है कि अनसेफ है, तो उसमें अक्सर ऐसा होता है कि लड़के कहेंगे अरे सब कुछ ही सेफ है, और लड़कियां कहेंगी कि नहीं ये सेफ नहीं है. तो उसमें PSAs या और भी जो एक्टिविटीज है जिनके बारे में प्रातः बात कर रहा था, उसमें वी व्हाट वी आर एंडेवर इज, हमारी कोशिश यही है कि हम एक सेफ स्पेस को फैसिलिटेट करें जहां पे लड़के और लड़कियां एक साथ मिलकर सेफ्टी क्या है या लैक ऑफ सेफ्टी क्या है उसके बारे में एक सेफ तरीके से बात कर सके विदाउट द फियर ऑफ बीइंग जज्ड और रेप्रिमांडेड और ब्रैंडिश्ड. तो ये एक हमारी कोशिश रहती है. तो PSAs में अक्सर यही होता है कि जब लड़के बोलते हैं कि सब सेफ है और लड़कियां कहते हैं कि भाई नहीं है, तो तब एक वो कॉन्वर्सेशन शुरू होता है जिसमें लड़कियां अपने एक्सपीरियंसेस लड़कों के साथ शेयर करती हैं जो लड़कों को पता नहीं होते हैं. They don't know about it, like Praatibh said, उनको नहीं पता कि सीटी मारना आप मारना गलत है. तो जब ये कॉन्वर्सेशन होती है, men also start changing their perceptions of safety and they also start, you know, putting it in their own lives, कि उनसे जो जुड़ी औरतें हैं उनकी लाइफ में उनके साथ भी शायद यही होता है, शायद उनके एक्सपीरियंसेस भी कुछ मिलते जुलते हैं. तो उससे एक वो जो इमोशनैलिटी है, इमोशंस का बहुत महत्व होता है जब हम इन मुद्दों पर काम करते हैं, तो इमोशंस निकल कर आते हैं, चीजें पर्सनलाइज होती हैं. और उसी से लाइक व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट अर्लियर कि लीडर्स कैसे बनते हैं और लीडर्स क्यों इस काम को लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि एक इमोशनल एसोसिएशन है, एक पर्सनल एसोसिएशन है इस मुद्दों से, इन मुद्दों से, और इसीलिए ये काम आगे बढ़ता है. मोहित, सरिता, आदित्य, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मोहित, आप अपने रैप के बारे में बताना चाहते हैं कुछ? हाँ जी, जैसे ज्यादातर हम इसके PSA के ऊपर ही बात कर रहे हैं मैम, तो हमने इसके ऊपर भी एक अच्छा सा सुंदर सा रैप बनाया मैम. और ज्यादातर देखा जाता है पहले PSA बनाने के लिए दो ग्रुप बना देते हैं जिसमें कुछ लड़के लड़कियां एक तरफ और कुछ लड़के लड़कियां एक तरफ, उसमें दो नक्शा बनाते हैं मैम. एक लड़कियां अपने गांव का खुद नक्शा बनाती हैं और हम लड़के लड़के बनाते हैं. तो उसमें देखा जाता है, उन दोनों को मिला के देखा जाता है लड़कियां अपने आप को कहां कहां से फील कर रही है और लड़के लड़कियों को कहां कहां से फील कर रहे हैं. तो दोनों को मिला के देखते हैं, सभी को हंसी आती है मैम, क्योंकि मैम बता रही है जैसे लड़कों के लिए तो सारी चीजें सेफ ही है, क्योंकि वो सोचते हैं लड़कियां हर जगह सेफ है. क्यों? क्योंकि हमने वो चीज फील नहीं की हुई है. PSA में सबसे मेन मुद्दा फील की हुई चीजों को ही दिखाया जाता है मैम, और उन चीजों को देख के फिर आपस में डिस्कशन करके PSA बनाते हैं मैम. तो मोहित के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि मोहित इन अ लॉट ऑफ वेज अपने जैसे लड़कों के लिए अभी एक रोल मॉडल है. मोहित को शुरू से ही म्यूजिक का शौक था, वो रैप करता था शुरू से ही. बट यू नो हम लोग किस बेल्ट से बिलोंग करते हैं, हरियाणा पंजाब वाली बेल्ट से बिलोंग करते हैं. अक्सर वहाँ पे जो लड़के म्यूजिक परस्यू करना चाहते हैं, स्पेशली रैप म्यूजिक, उनके आइडियल, उनका रोल मॉडल कौन है? हनी सिंह है, बादशाह है, और कौन है मोहित? जी जी भी निंजा प्रिंस वर्मा एंड द लॉर्ड. एंड अक्सर इन म्यूजिशियंस के अगर आप रैप सुने तो उसमें औरतों को एक बहुत ही एक ही नजर से देखा जाता है. दे आर आई मीन यू नो वेरी ऑब्जेक्टिफाइंग इन फैक्ट टुवर्ड्स वुमेन. सो मोहित के भी इनिशियली जब वो रैप करता था तो उसका इंस्पिरेशन भी उन्हीं से था. बट Now when we see Mohit rapping, Mohit rap करता है बाल विवाह पर, Mohit rap करता है औरतों की public spaces में safety पर, Mohit rap करता है भ्रूण हत्या पर. तो आप कला का भी किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं
उसमें फॉर मी मोहित हैज शोन द वे. और मोहित ने अपने गांव में जो लड़के इसके ग्रुप में थे वो म्यूजिक ग्रुप में, उसने उनको भी इन्फ्लुएंस करा है और वो भी अब उसके साथ मिलकर इन थीम्स पर अब म्यूजिक बना रहे हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं. So that is one small example because he's sitting right next to us. We cannot. Yes, Mohit, would you like to rap for us? Rap for me. हाँ जी, बिल्कुल सुनेंगे. सुनो जी फिर. रह लोकतंत्र की बात करूं मुझे गाँव अपने जज्बाता ने मैं और नहीं समझा सकता देखो अपने आलाता ने जावे सहरा छोरी गाड़ में छोरे की टोली छेड़े रे जब तक शरीर में जान से लगेगी दारा थर पैन बचे सके भगवान रे घर में दुश्मन बार भी दुश्मन दुश्मन रिश्तेदार रे बहु बेटियों की इज्जत पैसे कितने अत्याचार रे 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 लोकतंत्र की बात करूं मैं जगह अपने जज्बाता ने मैं और नहीं समझा सकता देखो अपने आलाता ने जब मांगे इस प्रथा की शुरू हुई हो कितने लोग बिगाड़ गए कोई मांगे मोटरसाइकिल और ले कहने कई कार गए जे ओवे तो बेटा लड्डू डीजे बाजे रे जे ओवे तो बेटी सुन ले जूत ही जूत सलागे रे जला के मारे पेट में मारे पीट पीट के मारा रे 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 रे, रे. लोकतंत्र की बात करूं मैं जगह अपनी जज्बाता ने मैं और नहीं समझा सकता देखो अपने आलाता ने हर इंसान जान लियो रे अपने अपने पहचान लियो रे बहादुर बनकर लड़ लियो रे लोकतंत्र ने समझ लियो रे कतलग नू भी चलेगा यू मुद्दा से हा न जावेगा इब हम लड़ेंगे जब तक मर प्या लड़ा है जावेगा जिब ज्वाइन करी प्रिय संस्था हमने सूबे छोरे बन गए रे छेड़ गए थे छोरिया ने पहले ही छेड़ना बंद कर गए रे यो से लोकतंत्र है यो से लोकतंत्र है हमने कदम बढ़ा ऐसे इतम भी कदम बढ़ा और है यो से लोकतंत्र है यो से लोकतंत्र. That was amazing. That was amazing. Neharika ji, आपने बोला हनी सिंह बादशाह और इतने सारे नाम आपने बोला जो बच्चों को इंस्पायर करते हैं. आई थिंक उन सबको रिटायर करना चाहिए. The king has arrived. The real king has arrived. Yes. Wonderful, wonderful. This was an amazing conversation. I think मुझे पता ही नहीं चला कि how we've just run past this 1 hour, but it's been very, very enlightening. And I'm sure कि through this conversation हमारे साथ काफी viewers थे जो drop off हुए और वापस आते रहे. And I'm also sure कि बाकी के लोग जो बाद में देखेंगे, because it's a Sunday, it's going to be a very enriching conversation. लेकिन जस्ट अ लिटिल अनाउंसमेंट, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल लिख लो एंड वी विल हैव आवर यूथ चैंपियंस और द टीम फ्रॉम मार्था फैरेल फाउंडेशन टू रेस्पॉन्ड टू यू एज अ रेस्पॉन्स कमेंट एज वेल. थैंक यू सो मच मोहित, सरिता एंड आदित्य, ऑफ कोर्स निहारिका एंड प्रातिभ फॉर मेकिंग दिस एन अमेजिंग संडे मॉर्निंग. मुझे एक्चुअली हमेशा ये पैनलिस्ट का रोल पसंद नहीं, मुझे मॉडरेटर का रोल बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सेल्फिश बन बैठी हूँ मैं. अपने आप जो भी मैं जानना चाहती हूँ मैं उस सवाल पूछती हूँ एंड आई वॉक बैक द मोस्ट एजुकेटेड बाय द एंड ऑफ इट. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली विश ऑल ऑफ यू अ हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे एंड आई एम श्योर दैट द वर्ल्ड इज बेटर ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक यू. थैंक यू सो मच कीर्ति, ऑन बिहाफ ऑफ मार्था फैरेल फाउंडेशन ऑल आवर यूथ लीडर्स अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया for actually collaborating with us for this opportunity to share our work on such a big scale. We're very, very grateful and we hope to, you know, take this work forward in the future. So thank you so much and thank you all the viewers for joining us today and a happy International Youth Day to everyone.